पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पीली कोठी स्थित कार्यालय पर महानगर में बढ़ते हुए डेंगू संक्रामक रोगों से प्रभावित क्षेत्रों में कार्रवाई और फॉगिंग, एंटी लार्वा, नालियों की सफाई, रुके हुए पानी के निस्तारण के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर नगर आयुक्त दित्य, संयुक्त नगर आयुक्त, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य अभियंता निर्माण, नोडल अधिकारी स्मार्ट सिटी, समस्त सहायक अभियंता निर्माण, जल, मुख्य सफाई निरीक्षक और समस्त सफाई निरीक्षक मौजूद रहे। बैठक में सर्वप्रथम वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में शीतल नगरी, करूला, सिविल लाइन, जयंतीपुर, करूला आदि क्षेत्रों में डेंगू के रोगियों की पहचान की गई है। इस अवसर पर नगर आयुक्त संजय चौहान द्वारा बढ़ते हुए डेंगू संक्रामक रोगों और इसके बचाव के दृष्टिगत पीलीकोठी कैंप कार्यालय से फॉगिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह, उप नगर आयुक्त, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। देखिए, जैसे ही मौसम बदला है, मौसम के परिवर्तन के साथ शहर में कुछ केसेस डेंगू और अन्य प्रकार के वायरल फीवर्स या संचारी रोगों के देखने में आए हैं। इसकी जानकारी होते ही नगर निगम ने अपनी पूरी टीम को पूरी ताकत के साथ आज शहर में उतारा है। लगातार हमारा फॉगिंग, एंटी लार्वा स्प्रे, साफ सफाई, इसके अभियान शहर में चल रहे हैं। लेकिन आज व्यापक पैमाने पर पूरे शहर के खास तौर से उन वार्ड्स में जहाँ पे ज़्यादा केसेस नोटिस किए गए हैं, वहाँ इस अभियान को चलाया जा रहा है। आने वाले एक सप्ताह तक लगातार प्रतिदिन वार्डों से आने वाले फीडबैक के आधार पर हम इस अभियान को जारी रखेंगे। अभी मेरी पूरी टीम, नगर निगम के सभी अधिकारीगण अब से लेकर के 7 दिन तक लगातार इस अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। इसी क्रम में आपने देखा, आज शाम को फॉगिंग का बृहद कार्यक्रम प्रभावित वार्डों में चलाया जा रहा है और कल सुबह हम इसी प्रकार एंटी लार्वा स्प्रे और साफ सफाई का भी एक विशेष अभियान चलाएंगे। कब तक चलेगा सर आपका? लगातार, क्योंकि ये समय संचारी रोगों पर नियंत्रण करने का समय है। जब तक कि ये केसेस पूरी तरह से मिनिमाइज नहीं हो जाते, तब तक हम शहर में इस अभियान को जारी रखेंगे। आम जनता चाहे तो उसके जैसे क्षेत्र में वो अपना छिड़काव करना चाहे तो कहाँ संपर्क कर? देखिए, नगर निगम का टोल फ्री इमरजेंसी कंट्रोल रूम नंबर है 9105900538। इस नंबर पर किसी भी समय लोग शिकायत कर सकते हैं और यदि उन्हें आवश्यकता महसूस होती है तो वे यहां से एंटी लार्वा और फॉगिंग का भी विशेष कार्यक्रम जारी करा सकते हैं। इस कार्यक्रम का जो संपूर्ण नियंत्रण है वो वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार बेलवाल जी के हाथ में रहेगा और अपर नगर आयुक्त श्री अनिल कुमार जी इस पूरे अभियान के प्रभारी होंगे। कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो हमारे कंट्रोल रूम में या वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी अथवा अपर नगर आयुक्त जी के व्यक्तिगत नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं। जनमानस से कोई अपील? देखिए, मेरी इस अवसर पर अपील है कि मौसम परिवर्तन के साथ ही शहर में कुछ बुखार, वायरल, डेंगू या अन्य प्रकार के संचारी रोगों के केसेस देखने में आते हैं। ये समय विशेष सावधानी रखने का है। मेरी शहरवासियों से अपील है कि अपने घरों और उनके इर्द गिर्द कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें। कूलर, फ्रिज की बास्केट या अन्य टायर ट्यूब या पुराने पड़े हुए बर्तनों में यदि कहीं पानी जमा है, छतों पर, मकानों के छज्जों पर, घरों के आगे पीछे, पेड़ों के आसपास अगर कहीं भी जल जमाव है तो इस जल जमाव से मच्छरों को पनपने में मदद मिलती है और ये बीमारियां मच्छरों के प्रकोप से ही शहर में फैलती हैं। तो मेरी अपील है शहरवासियों से कि अपने घरों के आसपास सतर्कता रखते हुए कहीं भी जल जमाव न होने दें और अगर कहीं बड़े पैमाने पर कार्रवाई की आवश्यकता है तो नगर निगम के कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।